इस देश में उगाए जा रहे हैं जहरीले सांप। हर साल पैदा किए जाते हैं 30 लाख सांप। चीन में एक अजीब किस्म की खेती चल रही है जिसके बारे में आपको शायद मालूम भी नहीं होगा। यहाँ सांपों की खेती की जा रही है। ये कोई मामूली सांप नहीं बल्कि बड़े विषैले सांप हैं, जिनके काटने पर आदमी पानी तक न मांगे। दरअसल चीन के खेतों में बड़ी तादाद में सांप पालन किया जाता है। यहाँ लोग जहरीले सांपों की खेती करते हैं और वो भी लाखों की संख्या में। चीन का एक गांव जिसका नाम जिसिकियाओ है, वहाँ हर साल 30 लाख जहरीले सांप पैदा किए जा रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा चर्चा में आ गया है। चीन के जिसिकियाओ गांव में बाकायदा स्नेक फार्मिंग की जाती है। इस गांव की कुल आबादी 1000 के आसपास है। जानकारी के मुताबिक गांव का औसतन हर शख्स पूरे साल में लगभग 30,000 सांप पैदा करता है। यहां पाले जाने वाले सांपों में विशाल अजगर, खतरनाक उम्बरा और जहरीले वाइपर सहित कई जानलेवा सांप शामिल हैं। यहां सांप की खेती उनके मांस और शरीर के अन्य अंगों के लिए की जाती है। सांप का मीट चीन में शौक से खाया जाता है। साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाओं के निर्माण में भी होता है। जिसिकियाओ गांव पूरे विश्व में स्नेक फार्मिंग के कारण जाना जाता है। यहां स्नेक फार्मिंग की शुरुआत गांव के ही एक किसान यांग होंग चैंग ने की थी। यह किसान जब युवा था तो एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज के लिए उसे सांप की जरूरत थी। इसके लिए उसने एक जंगली सांप को पकड़ा। बस तभी उन्हें सांप से जुड़े कारोबार का ख्याल आया। फिर इस शख्स ने सांप पालना शुरू किया। जब गांव वालों ने देखा कि इस काम से होंग चैंग की आमदनी बढ़ रही है तो गांव के दूसरे किसानों ने भी यही तरीका अपनाया। आज गांव में 100 स्नेक फार्म्स हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग किया जाता है। आखिर में सांप जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो फार्म हाउस से उन्हें बूचड़ खाने ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। इसके बाद सांपों को काटकर उसका मीट निकालकर अलग रख लिया जाता है। चमड़े को अलग सुखाया जाता है। सांप के मीट से दवा बनाई जाती है जबकि चमड़ों से बैग बनाए जाते हैं।